Hey guys, myself Alka and you are watching Ishan Easy Craft. Guys, आज हम लोग किचन वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स एंड पेंट बॉक्स से हम लोग बहुत सारे प्लांटर तैयार करेंगे, जो बहुत खूबसूरत प्लांटर तैयार करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल कैन 5 लीटर वाले लिए हुए हैं। इनमें मैं फेस ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये मैं एक फीमेल का फेस ड्रॉ कर रही हूँ। इनको हम हैंगिंग प्लांटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। आप आर्टिफिशियल फ्लावर भी लगा सकते हैं और ओरिजिनल फ्लावर या कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगते हैं हैंग करने के बाद में ये। अब इस ऑयल कैन में मेल फेस ड्रॉ करेंगे, अच्छा लुक आता है। जैसे राजस्थान में अगर गांव में जाएंगे तो इस तरह के फेसेस देखने को मिलते हैं। मेल टच देने के लिए इसको मैं गोल्डन कलर से हल्का हल्का पेंट लगा रही हूँ, ताकि थोड़ा सा डार्कनेस आ जाए फेस पे और देखने में अच्छा लगे। बन जाने के पास नीचे वाला पोर्शन हम कट कर लेंगे इस तरह से। कट करने के बाद हम इसमें कोई भी प्लांट रख सकते हैं। तो अभी इसको कंप्लीट करने के लिए हमें ऊपर स्ट्रिप चाहिए किसी भी कपड़े की, किसी भी पुराने कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मेल फेस के लिए येलो कलर का कपड़े का यूज़ कर रही हूँ और फीमेल के लिए रेड कलर का, और इसको ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देंगे। इस तरह से ये फिक्स हो गया। अब रेड वाली स्ट्रिप को फीमेल वाले फेस पे स्टिक कर देंगे। दोनों तरफ से साइड साइड से पहले फोल्ड कर लेंगे, ताकि उसके धागे ना निकलें लगाने के बाद में। और इसी तरह से पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे लगाना, और फिर आगे आते हुए थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए उसको कंप्लीट कर देंगे। इसमें भी लग गया है। अब मैं क्या करूँगी, मेरा एक पुराना ब्लाउज का लटकन रखा हुआ था, इसको मैं लगा दूंगी। और ये एक फ्लावर का बूल से मैंने जो बनाया था, वो कुछ सर्कल रखे हुए थे उनको मैंने लगा दिया। ईयर्स में उसको लगाऊंगी, ताकि ये इयर रिंग और मांग टीका दोनों बन जाएंगे। इसी तरह से मैंने एक स्टोन सिल्वर कलर का मेल फेस में भी लगा दिया है, जो साफा की बटन के तौर पर लगेगा। अब मैं 4 लीटर वाली प्लास्टिक पेंट की 2 बकेट लिए हैं, जिनको मैंने एक को वाइट और एक को ब्लैक कलर से पेंट करके रखा था पहले से ही, और उसके हैंडल कट कर दिए थे। उनको मैं पेंट कर रही हूँ। तो ब्लैक वाले पे वाइट कलर से मैं लीव्स का शेप दे रही हूँ पहले, और उसमें इस तरह से लाइनिंग करके उसको फिल करूँगी। इस तरह से लीव का ही शेप देते हुए पूरे पॉट पर मैं लाइनिंग करती जाऊँगी। बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगता है और सब जगह एडजस्ट हो जाता है। आप किसी भी रूम में किसी भी कलर की वॉल हो या कहीं भी लगा दीजिए, ये सूट भी करता है और अच्छा भी लगता है। और देखिए, ये मेरा ब्लैक एंड वाइट कलर का प्यारा सा पेंटर रेडी हो गया। अब मैं कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके इनको भी पेंट करूँगी। तो सबसे पहले मैं इनको बीच से कट कर ले रही हूँ। कट करने के बाद मैंने कुछ वाइट, रेड, पिंक, येलो सभी तरह के कलर से पेंट कर लिया था, और उनको इसी तरह से जिगजैग या किसी भी तरह की कुछ डेकोर कर देंगे, ताकि देखने में बहुत प्यारे लगे। तो देखिए, ये बड़ी बोतल का मेरे पास एक इतना ही पोर्शन बचा हुआ रखा था, रेस्ट ऑफ पोर्शन मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। तो इतना बिल्कुल सिंपल सी इसमें पेंटिंग है, और ये मैंने बॉर्डर तैयार किया है। और देखिए, रेड कलर पे येलो कलर कितना सुंदर लग रहा है। रेड और येलो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा निखर के आता है। नीचे के साइड में इनमें होल भी कर रखे हैं, ताकि मैं इनमें कोई प्लांट डालूं तो पानी निकलने के लिए ड्रेनेज रहे। इस तरह से ये पूरा पॉट रेडी कर दे रही हूँ।
और देखिए अच्छा भी लग रहा है, ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल पेंट का ही यूज़ कर रही हूँ सभी पॉट में। ये मैंने जो येलो कलर की बॉटल पेंट करी थी उस पर फेस ड्रॉ कर रही हूँ। तो सबसे पहले राउंड कलर की आईज तैयार करके उनमें मैं वाइट कलर से पेंट कर दूँगी बीच में। इस तरह से इमोजी टाइप में एक फेस रेडी कर रही हूँ। देखिए कितना सुंदर लग रहा है देखने में, इतनी बेस्ट पड़ी हुई बोतल से एक फेस रेडी हो गया। ऊपर उन्हें ब्लैक कलर से ही हेयर बना दिए हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जिनसे आप अपने घर को डेकोरेट भी कर सकते हैं और ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। जब आप इनको हैंग करेंगे तब एक्चुअल में इनकी ब्यूटी निकल कर आती है। इस टाइप की बॉटल ज़्यादातर हैंग करने के ही काम में आती हैं। आप कहीं भी बालकनी में या अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर लगा रहे हैं तो रूम में भी लगा सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, छत पे रूफटॉप गार्डन में रख सकते हैं। ये कैट का फेस बन गया पिंक कलर की जो बॉटल मैंने पेंट करी थी उस पर। और अब मैं वाइट कलर की बॉटल पेंट कर रही हूँ। इस पर मैं सिंपली फ्लावर ड्रॉ करूँगी रेड कलर से और ब्राउन कलर से। फ्लावर के लिए एक स्टिक, सारे फ्लावर को ज्वाइन करेंगे स्टिक से ही। इसी तरह से हम रेड कलर का पूरा फ्लावर पेंट कर लेंगे सभी साइड से, ऊपर की साइड में भी और नीचे के साइड में भी। और ये ब्राउन कलर से मैंने प्लांट की स्टिक टाइप में कुछ स्टिक्स बनाई हुई हैं। और देखिए सभी पॉट रेडी हो गए बहुत कम समय में ही। अब देखिए ये ऑयल कैन से बना हुआ फेस कितना सुंदर लग रहा है। हैंगिंग बास्केट रेडी हो गई हैं दोनों। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।